नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी के उन सभी स्टॉक्स के बारे में जो आज मार्केट ओपन होते ही सबसे ज्यादा निगेटिव ओपन हुए थे, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होने आया उन सभी स्टॉक ने अपनी 50% की रिकवरी दे दी। तो दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि किस न्यूज की वजह से अडानी के सभी स्टॉक में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और किस न्यूज की वजह से अडानी के सभी स्टॉक ने अपनी 50% की रिकवरी दे दी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जिनसे आपको स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने इक्विटी में कितना अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, जहां हमने रतन पावर में 27% का प्रॉफिट बुक किया है, महिंद्रा सीआई में 12% का प्रॉफिट बुक किया है और बाकी प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले की स्टोरी बता देता हूं। सबसे पहले न्यूज आती है कि सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेबी ने अडानी के 3 एफपीआई अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद में 12 जून को सुचिता दलाल का ट्वीट आता है कि फिर से एक नया स्कैम ओपन होने वाला है जिसमें स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। दोस्तों सुचिता दलाल वो है जिन्होंने 1992 का स्कैम ओपन किया था, यानी कि हर्षद मेहता का स्कैम ओपन किया था पब्लिकली। एंड फाइनली आज जब मार्केट ओपन होता है तो अडानी के सभी स्टॉक में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, जहां पर अडानी एंटरप्राइज में 23% का डाउनफॉल देखने को मिलता है, अडानी ग्रीन में 5% का, अडानी पोर्ट में 16% का। इस तरह अडानी के सभी स्टॉक में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड फाइनली जब मार्केट क्लोज होने को आता है तो अडानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन आता है कि जो न्यूज आई थी कि सेबी ने 3 एफपीआई अकाउंट फ्रीज किया है वो न्यूज फेक है। और जैसे ही न्यूज आती है तभी अडानी के सभी स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।